अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जी, मुझे तो कल दोबारा से मुझे ड्रिप लगी, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर फिर से हो गया। और आज अल्लाह का शुक्र है, आज फिर बेहतर हूँ। अल्लाह करे बस अब ऐसे ही रहूँ, अल्लाह करे बस। अच्छा जी, आज इस तरह से है कि मैंने ये गैलरी के जो कर्टन्स हैं ये वॉश करवाए। बख्शू से कहा कि मैंने कहा ये कर्टन्स उतार दो, इनको वॉश कर लेते हैं, फिर बारिशें वगैरह शुरू हो जाएं। धूप निकली हुई है, स्मोक भी नहीं है, तो आज कर्टन्स वॉश कर लेते हैं। तो बस इनको 2 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखा, और उसके बाद अच्छी तरह से जब इसकी निकली है ना, डस्ट वगैरह निकली है, अच्छी खासी डस्ट निकली है। हालांकि मैंने 3 माह पहले मैंने ये वॉश करवाए थे, लेकिन आज फिर दोबारा वॉश करवाएं और उसी तरह से डस्ट निकली है। ज़ाहरी बात है, आंधियाँ वगैरह भी आती रहती हैं। तो जनाब, अब ये है कि फिर 2 दिन के बाद इस तरह करूँगी, जब ड्राई हो जाएंगे तो धोबी के पास भेज कर इसको प्रेस करवा लेंगे। वो ज़रा सीधी बिल्कुल क्रीज करके वो इस्त्री कर देगा, तो वो कर्टन्स भी लगे हुए भी अच्छे लगते हैं। क्योंकि आ जाना है बख्शू ने घर, तो मैंने कहा कि चलो इसके जाने से पहले जो है ना ये मैं वॉश करवा लेती हूँ। और आप बताएं, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? ठंड अच्छी हो गई है? मज़ीद अब ज़ाहरी बात है और भी ठंड हो जाएगी, तो अल्लाह करे बस बारिश हो जाए। बारिश होगी तो ये जो हमें फ़ीवर वगैरह हो रहा है ना, ये भी फ़ीवर ख़त्म हो जाएगा। आज मैंने बनाए हैं जनाब खाने में माश की दाल, छिलके वाली दाल, और आलू बनाए हैं, क्योंकि मटन खाने को, चिकन खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, ना ही मैं खाने को तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, और पकाने का भी दिल नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने कहा कि जी आज मैं बनाऊंगी माश की दाल बनाऊंगी। और ये मैंने उसका मसाला मैंने बनाया है, पहले प्याज को हल्का सा मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है, उसके बाद फिर अदरक लहसुन सूखा धनिया और हरी मिर्च। आजकल हरी मिर्च पतली लंबी और बड़ी तीखी आई हुई है, बड़ी तेज़ मिर्च आई हुई है, तो ये बना के और टमाटर डाल के मैंने पहले मसाला बनाया, जैसे मुर्गी का मसाला बनाते हैं, और साबित थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, और उसके बाद दाल डाल के भून के पानी डाल के और प्रेशर दे दिया। और जनाब ये देखें, ये मेरी दाल मज़े की तैयार हो गई है। 20 मिनट में दाल तैयार थी, और साथ ही आलू भी तैयार हो गए। ये देखें, ये आलू भी तैयार हो गए हैं। तो बस जी, ऐसे ही है, सारा दिन ऐसे ही घर के काम वगैरह में, पार्लर में, इसी तरह से दिन गुजर जाता है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये टेस्ट करके बताती हूँ कि ये आलू और दाल कैसी बनी है। वैसे मुझे बाद में याद आया था कि मुझे माश की दाल तो मना है, डॉक्टर ने मुझे मना की वे माश की दाल मैंने नहीं खानी। खैर, मैंने ज़्यादा भी नहीं खाई थी, ऐसे 2-1 चम्मच मैंने टेस्ट किए थे। तो जी, आलू तो अच्छे खासे स्पाइसी बने हुए थे और दाल भी बहुत स्पाइसी बनी हुई थी। वो इस वजह से कि मैंने लाल मसाला तो मैंने कम डाले, लाल मिर्चें, लेकिन जो हरी मिर्चें थी वो मैंने पीस कर डाली हुई थी दाल में, जिसकी वजह से मसाला तेज़ हो गया। और लेकिन चटनी वगैरह के साथ, और मैंने वो काली मिर्च वाला ज़ीरा बनाया हुआ था, उसका सॉरी रायता बनाया हुआ था, तो उसके साथ ये बड़ा मज़ेदार लग रहा था। अच्छा जी, लग रहा था नहीं, लग रही थी दाल। तो बस फिर इस तरह से है कि जी, शहरबानों ने तो आना है, और उसने उसका मूड ख़राब हो जाएगा जब उसे पता चलेगा जी दाल बनी हुई है और आलू बने हुए हैं। आलू तो फिर भी वो खा लेगी, लेकिन दाल तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगी, शायद खा भी ले। अचार ख़त्म हो गया, क्योंकि अचार थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर फेंक दिया उसको। अच्छा व्यूवर्स, अब ऐसा है कि मैं बना रही हूँ गजेला खोए वाला, और जनाब कमाल है, इस टाइम गैस भी आ रही है, और हालांकि होती नहीं है 3:30 बजे, क्या कह सकते हैं जनाब, मूडी लोग हैं। अच्छा जी, ये 1 किलो गाजर है, 1 किलो गाजर को मैंने कद्दूकश कर ली है। कद्दूकश करने के बाद अब इस तरह से है कि मैं इसको ऐसे डाल के कढ़ाई में, या आप कोई देखी ले लें, ठीक है। इसके बाद जनाब मैं ये करूंगी कि 1 कप दूध, ठीक है,
ये एक कप दूध में, ये तकरीबन एक कप दूध है। अच्छा जी, एक कप दूध में मैं इसको ढांक कर हल्की आंच पे रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक इसका जो पानी है ना वो निकल ना जाए गाजरों का, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये देखें आप, ये इस तरह से इसको मैं रख रही हूँ, ढांक के रख रही हूँ कुछ देर के लिए, और मैंने बिल्कुल हल्की आंच रख दी है। और उसके बाद ये एक पाव मैंने खोया मंगवाया, फीका खोया मंगवाया, तो उसके बाद जनाब फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से ये बना रही हूँ। अच्छा जी, अब इस तरह से है कि ये मैं डाल रही हूँ, चार से पांच मैंने छोटी इलायची मैंने डाल दी है, और उसका चम्मच ये रखा होगा, एक मिनट, ठीक है। ये देखें, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। आज आप लोग कहेंगे कि जी इतनी पटाखेदार तैयार होकर कहाँ में जा रही है, तो जा कहीं नहीं रही, बस ऐसे दिल कर रहा था कि पटाखे वाली लिपस्टिक लगाऊं जरा मैं, क्योंकि मेरा सूट का कलर ऐसा था, तो फिर मैंने लिपस्टिक भी लगा ली। अच्छा जी, अब ये है कि मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, चीनी एक किलो, गाजर में चीनी कितनी अच्छी लगेगी, ये कितनी, एक पाव, और ये तकरीबन ये हो गया जनाब, ठीक है। ये हमने चीनी डाल ली, चीनी डाल के इंशाल्लाह जल्दी जो है मैं आप लोगों के साथ अंडे वाला हलवा जो है वो भी शेयर करूंगी, जिस तरह से मैं अंडे वाला हलवा बनाती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, और चने की दाल का हलवा वो भी शेयर करूंगी। वो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो बहुत मज़े का बनाती हैं, बहुत ही मज़े का बनाती हैं वो। अगर कभी मुल्तान आई ना तो फिर उनसे कहूँ कि इकट्ठे मिल के बनाते हैं, आप उनके साथ मिल के भी बनाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी कितना डाल रही हूँ, ये तकरीबन ये देखिए जी, ये एक, मजा तो आता है अभी देसी घी में ना हलवों का। व्यूवर्स कैसी लगी आपको वो वीडियो जो मैंने वहाँ और हुसैन अली की बनाई है, और मैंने आपको एक मिठाई वाली शॉप भी दिखाई है, रिवाड़ी वाले जो हैं, जो मुल्तान के रहने वाले हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा उनके उनके टेस्ट का, उनकी जिस तरह मिठाई के टेस्ट है ना बहुत ही मज़ेदार। मुझे खैर उनका बादामों वाला हलवा बहुत पसंद है, वो बहुत मज़े का होता है। अच्छा जी, इतना ही काफ़ी है घी मेरे ख्याल से, मैंने ये एक पाव के करीब ही डाला है, इसी चम्मच को कर लेती हूँ। ये मैंने जनाब एक पाव के करीब मैंने देसी घी डाल दी है, और अभी भी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तबीयत मेरी बस ये है कि कभी किस तरह से मौसम चेंज हो रहा है ना, अजीब ही तबीयत हुई हुई है, अब फिर मुझे वॉमिटिंग सी फील हो रही है, कल मुझे ट्रिप लगी है और अभी भी मुझे वीकनेस है इस चीज की। ये मैं अपना वॉर्म वाटर ले रही हूँ। अच्छा जी, थोड़ी सी मैं आपको तेज कर रही हूँ, ये मैंने तेज कर दी है हीट जरा। ये भी कहाँ है, चलो बस ठीक है, थोड़ी देर तक मैं वो करती हूँ। आपने कहीं कि यहाँ पे बड़े ग्लिटर वगैरह मैंने लगाए हैं, नजर आ रही मेरी ग्लिटर नहीं तो नहीं आ रही। अच्छा, मैंने कभी बस कहीं कि बड़े ग्लिटर लगा के खड़ी हुई है जब मैं। ये व्यूअर्स, जो हमने चीनी डाली है ना ये उसका पानी है, ठीक है। और बस मुझे लग रहा है कि घी थोड़ा सा कम होगा, घी मुझे डालना होगा थोड़ा सा, और डाल लेती हूँ घी, डाल देती हूँ थोड़ा सा और डाल देती हैं। और जी, तीन चार दिन से मीठा नहीं बन रहा था, और मियाँ मेरे डेली कह रहे थे कि जी मीठा है मीठा है, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी ना कि जी मीठा नहीं बना हुआ। चलो मीठा जरा चख लूँ, ये ना हो कि फीका हो, हलवे के फीके बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, हाँ इतने तेज भी ना हो इतने फीके भी ना हो। इसको मैं थोड़ा सा तेज कर लेती हूँ, अगर कम होगा तो फिर मैं डाल लूँगी। और जी इस तरह से हो
बिल्कुल ठीक है। पहलवानों आप भी आइए यूनिवर्सिटी से, और इसलिए जो है ना मियाँ मिठू ने शोर मचाया था क्योंकि मुझे उठाओ आप, बेचैन हुआ हुए नहीं मुझे उठा भी नहीं दे। अच्छा व्यूवर्स, अब ऐसा है कि एक पैकेट मैं डालूंगी इसमें नीरो मिल्क का डालूंगी, एवरी डे नहीं डालना, एवरी डे चाय के लिए होता है। और जो नीरो है वो आप जिस तरह से आप मीठा भरा बनाते हैं उसके लिए चलता है। तो जी अब ये मैंने डाल दिया, ये भी मैंने डाल दिया है, और उसके बाद हाँ ड्राई फ्रूट पता नहीं होगा, ड्राई फ्रूट मंगवाना है, ड्राई फ्रूट है नहीं, चलो ड्राई फ्रूट से बगैर से। और बच्चे जो हलवे होते हैं जैसे स्पेशली ये गाजर का हलवा और सूजी का हलवा, इनके ऊपर चांदी का वर्क तो बहुत अच्छा लगता है। चांदी के वर्क आजकल मुझे मिली ही है, मैंने हालांकि पता करवाए हैं चांदी के वर्क। तो अब ये है कि इसको डालने के बाद व्यूवर हम ऐसे करेंगे कि जो ये खोया है ताज़ा ताज़ा मज़ेदार खोया है, ये देखें इस तरह करके, और जनाब ये मजेदार लग रहा है। बास का पत्ती भी डालते हैं, अबू डालते हैं, टेस्ट होता है, मेरे अबू डालते हैं बर्फी। हाँ जी वो खीर में पहले इतना मीठा होता तो फिर बर्फी डालेंगे क्या? खीर में भी डाल देते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। तो जी अब ये अब बाकी का जो है खोया है ये हम डालेंगे ऊपर। अच्छा जी मैं हम इसको हम रख देंगे ऐसे हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए, इसमें जो हलवा है ना वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए, वो खुद ही मिक्स हो जाएगा, ये बस हमने हल्की आंच पे रख दी है। तो ये देखिए जी ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। इसको हम कर करेंगे मिक्स, इस तरह से ये खोया मिक्स हो जाएगा। मैं तो हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि घर में चीज़ों को बनाया करें, बरकत होती है। अब बाज़ार से अगर हम चीज़ लें किसी महंगी है, और मैं आपको बताऊँ खोया भी नहीं डालते बाज़ार वाले, पता है वो क्या करते हैं, जो ज़ाहिर बात है कि दूध वगैरह से जो उनकी बलाई इकट्ठी होती है ना, उसको जो उसका जो घी बनता है जो वो सेल करते हैं, घी सेल करते हैं जो दूध वाले होते हैं, ठीक है, जो घी की जो वो क्या उसे कहते हैं जो मलाई होती है ना, वो जो ब्राउन हो जाती है वो डालते हैं इसमें गजरेले में हलवे में, खोया नहीं डालते होते, खोया बहुत कम डालते हैं। कभी आप लोग नोट कीजिएगा अक्सर जो है ना वो इसी तरह से करते हैं, सबका नहीं कह सकते लेकिन ये है कि हाँ मोस्टली करते ऐसे ही हैं, वो खोया नहीं होता। बताएं व्यूवर्स कैसा लग रहा है ये लुक, अच्छी लग रही ना, ज़बरदस्त लग रही ना लुक, वही बाजारी लुक हो गई ना इसकी, ऐसे लग रहा है बाजारी हलवा हो। बचत ही बचत है, देसी घी घर में रखा हुआ था, एक किलो गाजर मंगवाई है और एक पाव मैंने हलवा वो मंगवाया सॉरी खोया मंगवाया है चीनी डालकर, और ज़बरदस्त आपका तैयार गजरेला। इतना अगर मैं मंगवाऊंगी बाहर से मंगवाऊंगी फिर मिठाई वाली दुकान से 1000 तो देंगे ये वाला हलवा। व्यूअर्स बिल्कुल देखें ये तैयार हो गया हलवा, अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और उसके बाद जनाब मैं इसको एक अच्छे से ये देखें इस बाउल में मैं इसको मैं डाल रही हूँ। तो जी ये है हमारा गाजर का हलवा, ये मैं अभी सैलून से उठ के आई हूँ, कल शायद बानो भी आने वाली है और मियाँ के भी आने का टाइम हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले गजरेला बना के रख दूँ।
ये है जी घर का बना हुआ गजरेला। और उसके बाद ना अब हम इसमें डालेंगे ये खोया। ये देखिए जी, यही चीजें होती हैं जो हमें जो है ना बाजार की चीजें अट्रैक्ट करती हैं। ये खोया आप इस तरह से डाल दें। शहरबानो कहाँ है? अच्छा भी बस अब मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ ये हलवा कैसे बना है, ये क्या हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं खुद टेस्ट करूंगा। ये इस तरह सर्दी में मीठा कितना खाने को दिल करता है। अभी तक सब हलवा नहीं खाया मैंने। ये है जी क्या कहना चाहिए आप लोग बताएं। हाँ भाई डिलीशियस, मुझे खुद को तो नहीं कहना चाहिए ना, हर दफा तो मैं खुद ही तारीफ कर रही होती हूँ। कभी व्यूवर्स ने कहा है कि आपने बड़ा मजे का बनाया खाना, उसे मैंने निहारी बनाई है, कितनी अच्छी निहारी बनाई है। आप लोगों ने मुझे कोई कमेंट नहीं किया, मैं नाराज हूँ आप सबसे। ठीक है, आप कमेंट किया करें, बताया करें कि कैसा लग रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ हौसला अफजाई होती है भाई, ये नहीं है आप सबके लिए। सच्ची बहुत मजे का बना हुआ है। अच्छा भाई अब इसको वो करो, मैं इसको सेट कर लूं फिर उसके बाद खा लूं। क्योंकि वो क्लाइंट आ रहे हैं तो वो मैं फुल पैक थ्रेडिंग करवानी है, वो कह रहे हैं 500 लेंगे। आप चाहे मैं आ रही हूँ उनको बिठाए। ये देखिए जी, अब ये अगर इसमें चांदी का वर्क होता ना सच्ची चार चांद लग जाते चांदी के वर्क के साथ। अब चांदी का वर्क है। अच्छा व्यूवर्स अब आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।